बैकग्राउंड के लोग, ऐसे लोग मिलकर शुरू की हुई तंजीम नहीं है। लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं, आपके पीछे कौन है? हम कहते हैं पीछे कोई नहीं, सब सामने है। पीछे कोई नहीं है हमारे, सब सामने है। तो ऐसी एक तंजीम आज किस लेवल तक पहुंच गई है, और हमें इस लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस एक लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें असल दिलों लोगों के दिलों में जगह बचानी थी। हर साल हम लोग रमज़ान में अपना फंड कलेक्शन करते हैं, लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आता है। तो इस बार कोविड का था, पिछले बार तो हमारे कैडर्स आप देखते हैं गांव गली घूमते हैं, तब एक छोटा सा झोपड़ी था, उस झोपड़ी के यहाँ और वहाँ दो बड़े घर थे, तो हमारे जो मेंबर्स थे उस दो बड़े घरों को गए लेकिन उस झोपड़ी को नहीं। तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी, बेवा थी, अकेली रहती थी। तो वो औरत बाहर आई, आकर देखा उसने कि ये लोग यहाँ भी गए वहाँ भी गए, मेरे घर को नहीं आए। तो वो पड़ोसी से पूछे कौन है ये लोग, तो पड़ोसी बताए ये पॉपुलर फ्रंट के लोग हैं। तो वो औरत जो है बुलाई, इधर आओ मेरे घर को क्यों नहीं आए? तो हमारे लोग कहें कि हम लोग पैसा कलेक्शन के लिए आए हैं, आपसे क्या कलेक्ट करना, आपको देना है, समझे, आपके घर में आके क्या होने वाला है। औरत बोली रुको, वो अपने घर में गई, एक पुराना प्लास्टिक का थैला लाया, उसके अंदर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के कॉइन है, वो हमारे हाथ में दे दिए, मैं एक साल से कलेक्ट करती हूँ सिर्फ आप लोगों को देने के लिए। और जब ऐसे लोग हमारे पीछे हैं, मुझे नहीं लगता और कोई चाहिए, और कोई चाहिए नहीं है। हाँ, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ओपनली हमारे बैकिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत है, उनके पास खोने के लिए बहुत है। और पॉपुलर फ्रंट के साथ वही आएंगे जो खोने से नहीं डरते, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और यही हमारी ताकत है।